ट्राई हो गया है दिस इज बहुत। नॉट द वे, यू कांट डू दिस, यू बाल नो बहुत यू विल ड्राई हो स्पॉइल चुका वॉट एवर एक्चुअल हेयर दैट यू है। गॉट हाँ सो पुट पुट ऑयल ऑल्सो, ना, पुट ऑयल। वेलकम बैक टू द काय व्लॉग बाय द वे। केयरेज नथी कर ली। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गाइस, मॉम ने मेरे बालों में थोड़ा सा ऑयल लगा दिया एंड मेरे बाल एक्चुअली लास्ट कुछ दिनों से काफ़ी ड्राई हो चुके हैं। एंड आर्यन ने मुझे कहा था कि इट्स नॉट गुड टू वॉश योर हेयर एवरी सिंगल डे, तो मैंने कल एक दिन का गैप लिया और जो डैंड्रफ बढ़ गया, इसलिए मैंने अभी जस्ट थोड़ा सा ऑयलिंग किया, थोड़ा सा स्टीम लिया। ऑल्सो टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल डे क्योंकि आज मैं अपने आँखों का ऑपरेशन करवा रहा हूँ। तो ऑपरेशन किस बारे में है ये मैं आपको बताता हूँ आफ्टर टेकिंग अ शावर, क्योंकि अभी बज रहे हैं 12 एंड 12:30 वी हैव टू गो टू द डॉक्टर। थैंकफुली घर के पास में ही है, सो इट्स नॉट वेरी फार, बट आई गेट रेडी एंड टेल यू गाइस एग्जैक्टली किस चीज़ का ऑपरेशन है। सो गाइस फाइनली नहा के हो गया एंड माई हेयर इज़ फीलिंग अमेजिंग। थोड़ा सा अभी भी पता नहीं ऑयलीनेस है कि बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया, मुझे समझ नहीं रहा है। ओके तो हम लोग ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है, सो वी आर लीविंग राइट नाउ। इट्स ऑलरेडी 12:35 और हमको 12:30 डॉक्टर के पास पहुँचना था। या वी हैव टू रीच दैट बाय 12:30। मैं आपको गाड़ी में एक्सप्लेन करता हूँ क्या है, बिकॉज काफ़ी लेट हो गया है मुझे निकलते निकलते। आई एम गेटिंग अ लेज़र आई सर्जरी डन फॉर माई आईज़, क्योंकि एवरी टाइम हम लोग कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स करने जाते हैं मैं सन ग्लासेस लेता हूँ, कौन से भी टाइप की ग्लासेस लेता हूँ, मुझे हमेशा ग्लासेस नंबर कराने पड़ते हैं एंड इट्स अ इशू। सो आई थिंक इट्स टाइम आई फाइनली गेट रेड ऑफ दैम, इससे मेरे नंबर न्यूट्रल हो जाएंगे। सो बेसिकली कुछ लेज़र ट्रीटमेंट रहता है जिससे द नंबर्स बिकम बैक टू 0-0, ऐसा कुछ रहता है ना। हाँ तुझे भी करवाना है ना? हाँ मुझे करवाना है, बट आई वाज सेइंग बट आई डोंट नो। आर्यन सोच रहा है मैं आज करवा रहा हूँ, मुझे एक दो दिन के लिए, उसके बाद आई डोंट हैव टू लुक एट द कंप्यूटर स्क्रीन एंड स्टफ लाइक दैट। तो सिर्फ एडिटिंग वेडिटिंग थोड़ा दिन के लिए मुझे रोकना पड़ेगा। कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं खेल सकते, कॉल ऑफ ड्यूटी भी नहीं खेल सकते, मैं आंखों को स्ट्रेन नहीं कर सकता हूँ एंड मुझे वो ब्लैक ग्लासेस पहनने पड़ेंगे। कम मतलब आई डोंट थिंक आई कैन स्ट्रेन इट, थोड़ा कम आई हैव टू स्ट्रेन। मॉम डैड अलग बाइक से आ रहे हैं वहाँ पे, बिकॉज गाड़ी में आई थिंक 3 से ज़्यादा लोग अलाउड नहीं है, समथिंग लाइक दैट। सो जस्ट टू बी सेफ, सर पता नहीं वो लोग शूट करने देंगे कि नहीं, इसलिए आर्यन थोड़ा कोशिश करेगा एज अ स्पाई। बट आई थिंक वी जस्ट टेल देम कि यू नो वी व्लॉग एंड स्टफ, अभी अलाउ कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो थोड़ा सा फुटेज ले लेंगे। और ओटी एक ही है ना, तो उसमें एक ही पेशेंट है वो विराग। रेडिएशन विल इंटरफेयर। सो गाइस मैं फाइनली घर आ चुके हैं, आई एम डन विद माय सर्जरी एंड मुझे नेक्स्ट 15 दिन के लिए ये पहनना है। ऑल्सो अभी मेरे आँख बंद है क्योंकि बहुत ज़्यादा जल रहा है, आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट्स वाटरिंग ऑल्सो। बट अगले 15 दिन के लिए मैं व्लॉग तो करूँगा, बट मैं ना एडिट कर पाऊँगा, ना मैं व्लॉग्स देख पाऊँगा, ना मैं यूट्यूब देख सकता हूँ। गॉड इट हर्ट्स। इट्स ओके, लगता है बारिश कितने वाली है, लगता है बर्फ पड़ने वाली है। मैं कहना है वॉच अ मूवी, ओह गॉड यू वॉच सो मेनी मूवीज, कैन आई लुक एट द, हां मैं हर रोज रात को एक मूवी, आई रियलाइज यार बंद करना पड़ेगा। हां सिर्फ 2 दिन के लिए, बट अच्छा या विराग नो यूट्यूब करियर विल गेट ओवर इफ आई डोंट अपलोड फॉर 15 डेज। आर्यन तू उसके कितने कितने दिन आंटी, हाउ मेनी डेज, 15 डेज नो मूवी फॉर 15 डेज। मम्मा 15 डेज इज टू मच है, इन डॉक्टर की दिस चल 1 वीक मैक्स। और जब ये आग बहुत जल रही है तो मम्मा मेरे लिए कुछ ड्रॉप्स डालने वाली आंखों में, एंड इफ यू गाइस डोंट नो दिस, मतलब यू गाइस वोंट नो दिस, कि
मुझे आई ड्रॉप से बहुत ज़्यादा डर लगता है, लाइक इट्स अ वेरी बिग टास्क फॉर एनीवन टू पुट एनी काइंड ऑफ आई ड्रॉप्स इन माय आई। सो लेट्स सी इफ मॉम कैन डू इट। मुझे दिन में ऐसे 3 या 4 बार ड्रॉप्स लेना है। सरकार आई का ड्रॉप। हाँ खोल आ खोल ओपन ओपन हाँ गया गया Yes, she is. It was. Looks like a exorcism. Oh. glasses. Oh God, Virat. oh God. Pankaj. Oh God! Thank God they gave that extra pair. Chashma todi pan nahi khan is ne ha. Acho. Sab dikh raha hai ma? Ma, mujhe dekh sakta hu? Ma, mujhe sab dikhai de raha hai. Good afternoon, guys. मैं वो पूरे eye drop के सीन के बाद मैं सो गया. आई कम्प्लीटली ब्लैक्ड आउट। मैंने एक पेन किलर भी ली तो अभी पेन भी कम है, बट देर सम रेड स्पॉट इन माई आई डोंट नो इफ यू ऑल कैन सी, कैसे कुछ काला रेड रेड सा हो गया है। एंड आई हैव टू वेयर दीज ग्लासेस मुझे अगले 2 दिन तक पहनने हैं, विच इज़ ऑल्सो अनदर थिंग। एंड आज मैं ना कंप्यूटर पर बैठ सकता हूँ, ना मैं टीवी देख सकता हूँ, ना मैं किसी भी चीज़ तक, मैं आँखों से कुछ ज़्यादा स्ट्रेनिंग चीज़ नहीं कर सकता हूँ। मैं व्लॉग तो कर रहा हूँ बट आई कॉन्ट एडिट एनी थिंग फॉर यू ऑल। और अगले 2 दिन के लिए भी आई थिंक वेरी रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ टाइम्स के लिए ही मैं कंप्यूटर या अपना फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। आई थिंक ओवरऑल दिस इज़ गोना बी मोर लाइक अ गुड थिंग फॉर मी, क्योंकि एक चैलेंज टाइप हो जाएगा कि यू नो going to detox from social media, from any kind of you know movies देखना जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। See how it goes। मैं हर रोज़ तो vlog करने वाला हूँ, I'll keep you guys updated कि किस तरह से क्या क्या चीज़ हो रही है। But I can finally see clearly, मतलब बिना चश्मे के भी मुझे काफ़ी दूर दूर तक दिख रहा है। थोड़ा सा ब्लरीनेस है अभी भी, बट होपफुली दैट ऑल्सो गोज सून। पर गाइस इसी के साथ रात हो चुकी है एंड आई हैव टू टेक रेस्ट, क्योंकि आज जस्ट पहला दिन है मेरे ऑपरेशन का। बट इसी के साथ आज का ये छोटा सा ब्लॉग खत्म। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मीन ऑन द कमेंट्स बिलो इफ यू वांट मी टू स्टार्ट डेली ब्लॉगिंग। मैं वापस रिकंसिडर कर रहा हूँ डेली ब्लॉगिंग करने का, क्योंकि वैसे भी कुछ टाइम के लिए मुझे शूट्स करना एंड ज़्यादा एक्सटेंसिव एडिट्स करना पॉसिबल नहीं होगा, बट आई थिंक आई कैन मैनेज डेली ब्लॉगिंग। सो लेट मी नो द कमेंट्स बिलो एंड हम मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।